होटल भी है। हम चाय पकड़ी हुई है और हमने लिया हुआ है हुम्मस 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 मतलब अरबी का कुछ चीज़ है। जी तो आज हम न्यू होटल में शिफ्ट हो रहे हैं तो मिलेंगे आपसे न्यू होटल में पहुँच कर। माशाल्लाह अलविदाई तवाफ़ है मेरा, अल्लाह कबूल फरमाए मेरे पाक परवरदिगार और बार बार आना नसीब करे मेरे अल्लाह मुझे मेरे मालिक रब पाक परवरदिगार। माशाल्लाह से निज़ाम दरवाजे पर बैठे हुए हैं और मैंने तवाफ कर लिया है, अलविदाई तवाफ था हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला कल हमारी फ़्लाइट है। आप सब दुआ करिएगा हमें खैर काफियत के साथ हम घर पहुंच जाए और ये सब बहन भाई ने दुआएँ करी हैं, मैंने सबकी दुआएँ भी करी हैं। अल्लाह ताला जिन जिन के उनके दुआओं पर गाया है मेरे पाक परवरदिगार उनकी तमाम परेशानियाँ उनके सब तकलीफ दूर कर दे, साथ साथ मेरे भी तमाम तकलीफें दूर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से बहुत जल्द आने का इरादा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इस साल नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह हज में भी आऊँगा। अभी मेरी आप सबसे दुआएं हैं कि अगर आप दुआ करिएगा अल्लाह जितना इस्तेआदा दे कि मैं हज भी आगे करूँ इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने उम्र अदा कराए और उम्र बार बार करूँगा इंशाल्लाह ताला पाक प्रॉपर दिखा दूँ माशाल्लाह से। आ रहा हूँ कि ये देखें सामने जो है ना ये गेट तैयार होना है, मीनार ये अनकम्प्लीट है इंशाल्लाह ताला शायद कुछ महीनों में ये भी तैयार हो जाएगा। जैसे ये है यहाँ पर और किंग फात के सामने का जो गेट आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इसी तरह ये मीनार सब जगह और क्रेनें लगी हुई हैं इस तरफ और काम पूरा जारी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। और काबे की तो कोई क्या बात है मेरे पाक परवरदिगार के घर की आला ही आला तो बहुत ज़बरदस्त। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ काबा के लोग तवाफ़ कर रहे हैं और हम कर चुके हैं और आके बैठ गए और ये देखें आप ये अबाबील गई और आपको दिखाया होगा और ये घूम के गई है तवाफ़ कर रही है, ये मैंने लाइव देखी है। देखें अभी आएगी यहाँ से ये आई और ये देखें आ रही है और तवाफ़ कर रही है, ये देखें माशाल्लाह से ये देखें और ऊपर से नहीं जा रही और ऊपर से नहीं जा रही काबा के और ये पूरे गिर्द जो है ना तवाफ़ करती है फिर आएगी और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आई चली गई आ रही जा रही है स्पीड बहुत तेज़ी से उसके सामने ये आप देख रहे हो कि ये गई ये देखिए तवाफ़ कर रही है ये देखिए काबा की तरफ छोटी सी है ये अबाबील है मैंने देखा तवाफ़ करते हुए माशाल्लाह से अल्लाह के घर की ये तवाफ़ करते हैं और रखवाली करते हैं पाक परवरदिगार की घर की। गेट जिसका नाम है बाबुल मुल्क फहद के नाम से और इसके बिल्कुल सामने देखें
अल्लाह का घर दिख रहा है बिल्कुल स्टेट में। खाना कहाँ भाई, हम यहाँ से आके दिखाएं। जी जी बिल्कुल, आप सीध में देखेंगे ना तो वो देखें आप सामने अल्लाह का घर दिख रहा है। इसी का स्टेट अल्लाह के घर के जाता है तवाफ़ का, इसी गेट से हम जाते हैं। और ये गेट नंबर 79 है। तो जितने अक्सर लोग आए वो किंग फहद से उमरा करा करें इंशाल्लाह तआला, उससे और सामने ही ज़ियारत हो जाती है काबे की। इहराम की इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल, ये मक्का टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा मक्का टावर यहाँ पर से ये देखें आप ही पूरा। और ये बिल्कुल ये है किंग फहद गेट माशाल्लाह। ये 79 किंग फहद गेट में आपको ऊपर का मीनार का भी नज़ारा करा रहा हूँ। ये पूरा बाबुल मुल्क के नाम से और ये पूरा सहन है। और बताया जा रहा है कुछ अरसे बाद ये तमाम होटल्स टूट जाएंगे सारे और ये पूरा हरम का हिस्सा बन जाएगा। तो सारे सफाई वाले खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जितने हैं सामने आप देख रहे हैं दर्जात सयाह लिखा हुआ, ये वॉशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पर और वज़ू खाना बना हुआ है, इमाम और वज़ू खाना है। ये सामने KFC है और बिल्कुल सामने ही जो है ना ये इब्राहिम खलील रोड कहलाता है, इसके पास ही अलबेग है मशहूर यहाँ पर। और ये देखें आप तमाम चीज़ों का माशाल्लाह माशाल्लाह गुड। और ये कहलाता है किंग फहद गेट जिससे हम आज अलविदा ले रहे हैं। फिर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह ताला फिर आएँगे। हाँ आमीन 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 आमीन। एक यहाँ पर कैमरा स्मोक और ये ब्रीफकेस अलाउ नहीं है और ना साइकिल इस जगह पे, सिर्फ मोबाइल अलाउ है ओनली ओनली। और ये बैतुल खला बना हुआ है सामने बनाया हुआ है। और नसली यानी निस्सा जो कहते हैं वो अरबी में लेडीसा कहते हैं, नस्सा जहाँ नमाज का भी कहा तो निस्सा माने औरत का है। और ट्रेड और रोलेक्स है और सामने KFC है। और हमारा जो आपका जो होटल है वो हमारा कबूतर चौक पे सामने ही है, बहुत करीब हो गया अब हरम के हमारे। और पहले हम जो आते थे ना वो हम आते थे इतनी दूर से, तकरीबन 10 मिनट का सफ़र था हमारा अलकिस्वा टावर के नाम से। और माशाल्लाह ये देख लें आप, ये जितनी बिल्डिंगें दिख रहे हैं सब होटल्स हैं सामने। और ये भी तमाम होटल्स यहाँ से तमाम और सामने ही आप देखें ये दुकानें और शॉप बनी हुई हैं। और इस तरह की ये वॉशरूम्स होते हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और ये हरम से बाहर की तरफ बने हुए दूर होते हैं। इमरान पेमेंट कर रहे हैं, ये शॉप है, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है। थैंक यू आइसक्रीम खिलाने के लिए। चॉकलेट लिए और इमरान और पप्पा ने मैंगो और वनीला। अरे नीचे से शॉपिंग भी कर लेते हैं। और अलबेग हम खा रहे हैं थर्ड टाइम, क्योंकि मेरा दोस्त जद्दा से आया था जब उसने खिलाया था और उससे पहले हमने यहीं से मैं अकेले आके लेके गया था और आज इरम को लेके आया हूँ। इरम ने ये मॉल देखा नहीं था, आज ये भी दुकानें बंद हो गई हैं वरना ये मॉल खुला हुआ होता है। वैसे मेरे मतलब की तो शॉप खुली हुई है सामने, नूर बनी हुई बिल्डिंग इसके अंदर है अलबेग। और ये हम जा रहे हैं C4 पे। अच्छा अच्छा, ये हमारे साथ हैं, आ गए हैं हम C4 पे। चलें जी, बस यही रेस्टोरेंट्स बने हुए, वो रहा सामने अलबेग। इस वक्त मौजूद हैं अलबेग पर और इमरान वहाँ सामने वो जो लाइन लगी हुई है ना, येलो कलर की शर्ट दिख रही है ना वहाँ सामने, तो येलो शर्ट वाले के आगे खड़े हुए हैं इमरान। और ये है अलबेग, रश देखें कितना हो रहा है। इमरान बस आने वाले ही होंगे, अभी तक तो निकले नहीं। इमरान माशाल्लाह माशाल्लाह से नाम लिया और इमरान आ गए, अलबैक ले लिया। चलें अब, ठीक है, थैंक यू। मैंने चिकन नगेट्स, ठीक है, हाँ जी वो तो आपके दोस्त ने आपको पार्टी दी थी।
अच्छा यहाँ पर ये तमाम फूड स्ट्रीट बनी हुई है, वो सामने है, इधर भी है, ये रही और ये भी सब है। चलें अब चलते हैं। हम चाय पकड़ी हुई है और हमने लिया हुआ है हुम्मस मतलब अरबी का कुछ चीज़ है, वो हमने ली हुई है। एरम आपने नहीं खाई हुई ना, लेकिन ये मैंने भी नहीं खाई हुई। ये मैंने ना वो एक हमारे जो है ना मक्के के जो है ना, मेरा इस वक्त जो है ना दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ है क्योंकि मैं तो ब्रांच के फ्रेंड प्लीज टाइम आगे बढ़वाने, मगर इन्हें अपने ऑफिस को भी देखना है। जी हाँ, वैसे मेरे पास स्टे का टाइम है कि मैं 12 दिन और स्टे कर सकता हूँ कि मेरा वीज़ा है और टिकट भी मेरी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे पास छुट्टियाँ नहीं हैं, छुट्टियाँ से मेरे पास कम है, इस वजह से जो है ना मैं और जो है ना इसी वजह से, नहीं तो मैं कम से कम एक हफ़्ते और बढ़ा लेता जी। क्यों इरम, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये कि शायद हो सकता है कि मैं ये बकरीद के बाद जो है ना हज के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे हम, और इंशाल्लाह ताला दोबारा आएंगे हम और फिर आपको दोबारा नज़र आएंगे और मक्के की गलियों में आपको इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त ये देखें इरम चाय पी रही हैं, हम ये तीसरी दफ़ा अलबेक खा रहे हैं। अच्छा मैंने जो ब्रोस थाई जो लिया है ना, ये अभी मैंने ट्राई नहीं किया था अलबेक का, नगेट्स मैं ट्राई कर चुका हूँ, इरम को भी ट्राई करवाए हैं मैंने और अभी भी मैंने नगेट्स लिए हैं, तो आपके साथ जाके ना रूम में शेयर करेंगे, ज़रूर दिखाएंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सारे कि मैं खुश नसीब में से हूँ तो यहाँ पर आए खाने का फ़दील है, सलम की भी ज़्यादा की ज़्यारत करी, अल्लाह की ज़्यारत की और अल्लाह का शुक्र है सारे। और अलबेक जो हम देखते थे वो अलबेक भी टेस्ट किया हमने, क्योंकि फूड हम लवी फूड है और हमें खुशी हुई, अल्लाह ताला हमें फिर बुलाए अपने घर, और सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें अल्लाह के घर की है, वो तो समझो कि ज़बान से बयान ही नहीं कर सकते अल्लाह के घर की। तो बस फूड का तो आपको पता जस्ट मजाक चल रहा था, लेकिन ये कि हम अलबेक को देखते थे, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे कहा था कि आप प्लीज़ बकरीद के बाद हो सकता है उनका यहाँ पर आने का प्रोग्राम हो, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें हर चीज़ के प्राइस हमसे शेयर करती रहिएगा और शॉपिंग वगैरह करें तो वहाँ की शॉप्स वगैरह भी हमने शॉपिंग पता है शॉपिंग्स वगैरह जो हमने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 से, तो कुछ की वीडियोस मैंने बनाई हैं कुछ की नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है जब बंदा शॉपिंग के लिए निकलता है तो वो फिर बिजी हो जाता है, सारी बात है वो फिर अपनी चीज़ें भी देखता है, टाइम भी बहुत कम रहता है, नमाज़ का टाइम होता है अक्सर, और जारी बात है तो उसमें भी हमने कुछ वीडियोस बनाई है कुछ नहीं बनाई, उसके लिए बिल्कुल माजरत। तो इरम देख रही हूँ पापा को, तो वो कहीं बैठे हुए होंगे आगे हो रहे वो उस पार बैठे सामने कहाँ बैठे हैं वो बैठे हुए दिख रहे हैं उनके पापा। चाय कैसी है? ज़बरदस्त चाय है भाई, हमारे पापा को तो पसंद आ गई है, तो पापा पी रहे हैं चाय और इमरान साहब को तो जो ना मीठा बस, जबकि नॉर्मल है चाय तो बड़ी मज़े की बनाकर दी है, चाय बनाई तो ज़बरदस्त है उन्होंने, लेकिन भाई मैं पीता हूँ मीठा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। चलें तो आप मीठा मीठा पिए, ये पूरी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है होटल्स और आज नाइट सामने है, हमें कल जाना है पाकिस्तान होंगे तो हमने कहा चलें आज इन्जॉय कर लें, आपको भी इन्जॉय करा दें। आज हम जो है ना इधर खाने काबा के सहन में सो जाते हैं, सही है इमरान? वो देखें ऊपर क्लॉक टावर पकड़ के रखें, पकड़ी हुई है मैंने। तो ये है भाई चिकन के जो है ना नगेट्स हैं अलबेक के, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये अलबेक ही के हैं, कि आप समझे कि अलबेक के नहीं है, ये देखें ये अलबेक के हैं, ये सामने लिखा हुआ अलबेक के चिकन नगेट्स हैं, इसके अंदर स्पाइसी भी आते हैं, मैंने बगैर स्पाइसी लिए हैं, और एक आता है फिश का जी, फिश खाया साथ में इसके ये बन दिए हैं और ये सॉसेज हैं अलबेक के सॉसेज हैं ये, और वो भी बताएं ये हुम्मस है अरबिक का जी, और साथ में है ये मेरे थाई ब्रोस्ट। प्यारी टू फैमिली आप सब भी आ जाएं और हमारे साथ इंजॉय करें जी, तो इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के मज़ेदार से ब्लॉग में, अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।